कह रहा आप लोगों ने आज अपना सिस्टम तो सेट कर लिया, लेकिन इस नीचे वाले सिस्टम को कौन सेट करेगा? कलेक्शन तो आप पूरा ले रहे हो, पैसा आपको पूरा चाहिए, पर कुल मिलाकर सुविधाएं गई बाहर में, स्टाफ कम है, ऐसा क्यों नहीं? चलो आप काटने से पहले हम लोगों को अवगत करा दो ना कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट है यार, हमको आप गवर्नमेंट को निपटा रहे हो, आप बचा के करेंगे कैसे? यूएटी के पास दबाव बनाएंगे हमारे अधिकारियों पे, निगम में इतनी खराब स्थिति है, पूरी रात का बिजली गायब, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ 10 बार से ज़्यादा लाइट दी जाती दिन और रात को, फिर क्या मतलब हुआ प्राइवेटाइजेशन। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के कई शहरों में बिजली की समस्या गहरा गई है। इससे निजात पाने के लिए कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने अपने निजी कार्यालय पर KDL बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा विधायक संदीप शर्मा बिजली समस्या को लेकर चिंतित दिखे। हमें क्या चाहिए? हमें तो निर्बाध रूप से लाइट चाहिए, जनता जनार्दन के लिए चाहिए। अब उसमें आपको कितने कहां पर 33 KV GSS लगाने हैं, क्यों अपन आज तक नहीं लगा पाए, कहां अपनी मेंटेनेंस नहीं हुई, कहां अपनी कमियां हैं, जैसे ये कोई आर के ब्रह्म में आपका AEN है, कोई फ़ोन नहीं उठाता, ये लोगों ने नोट कराया हमको। शिंदनाथपुरम विवेकानंद नगर यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम है, सबके उपकरण ख़राब हो रहे हैं, 33 KV का GSS नहीं बनाई, आपकी प्रॉब्लम है, 132 KV GSS कौन बनना है क्या? और भी सुभाष नगर कार्यालय पर KEDL और बिजली अधिकारियों के साथ कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी, भाजपा नेता पंकज मेहता, गोविंद शर्मा, BJP जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने आम जन की समस्या को देखते हुए बिजली अधिकारियों को अवगत कराया। जो वर्तमान में भीषण ताप के चलते भी बार बार लाइट जाने का विषय है, उसको लेकर जो है ये बैठक ली गई थी और इसमें जानकारी ली गई क्यों बार बार लाइट जा रही है और जो विषय सामने आए, तो उसमें आगे जो समय है वो बरसात का समय है और बरसात में भी ऐसी स्थिति ना बने, इन सारी स्थितियों पर जो तथ्य सामने आए उसमें लगता है कि कुछ 33 KV GSS और अभी कोटा शहर में लगने हैं, जिनकी जिम्मेदारी KEDL की है, वो KEDL ने स्वीकार किया है कि लगभग 3 33 KV GSS वो कोटा शहर में, एक कुनाड़ी में, एक काला तालाब में और एक सुभाष नगर में वो शीघ्र स्थापित करेंगे, और एक ऐसा नंबर जो लाइट सप्लाई रुक जाने से या तो लोड के कारण या अन्य कारणों से तो तुरंत वहाँ संपर्क होकर मालूम पड़ सके लोगों को कितनी देर में लाइट आने वाली है, क्योंकि मुख्य रूप से ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है कि जब लोगों को मालूम नहीं रहता कि कब लाइट चली गई और कब लाइट आएगी, यदि किसी प्रकार से लाइट चली गई है, कोई फॉल्ट आ गया है या कोई ट्रांसफार्मर जल गया है, तो वो खैर स्वाभाविक घटना हो सकती है। हमारा प्रयास है कि अत्यधिक लोड ना आए, लोड का विभाजन बराबर मात्रा में हो, 33 KV के GSS उन लोडों को सह सके, जिससे निर्बाध रूप से लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके। इस और अधिकारियों को पाबंद किया है और इन्हें कहा है कि इस प्रकार की कैसी भी शिकायत लोगों की ना हो, क्योंकि लोग अपना पूरा बिल चुका रहे हैं और उनकी सिर्फ इतनी सी अपेक्षा है कि उन्हें पूरी लाइट 24 घंटे ऐसी भीषण गर्मी में भी और हमेशा मिलनी चाहिए। शहर में बिजली विभाग की अव्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अधिकारी बहाना बनाकर मामले को लेकर टालते हुए नजर आए। जेवीएल हो चाहे KEDL हो, कोई भी हो, कोई भी साथ। देखो JVL और KEDL में कोई फर्क नजर नहीं आया, बरसात आती हवा चलते ही पहले भी लाइट बंद हो गई थी, आज भी हो रही है, फर्क नजर आया है, फर्क ये नजर आया है JVL में थोड़ा बहुत पीछे लेट चल जाते थे, KEDL में तुरंत जाते मंडे का अंदर UIT का जो आप उनको नोटिस दे दो, उनको भी मेरी कॉपी आपको बकाया है, मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा। अरे उनका उनकी ऑफिस की लाइट काट दो, UIT की ऑफिस काट दो लाइट जाकर के, आप पांच लाइट क्यों काट रहे हो हमारे यार? आप जगह नहीं की लाइट काट दो, हमारे लाइट में ले जाओ लाइट, आप कह रहे हैं आपसे। दरअसल राज्य में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद KEDL के अधिकारियों की विधायक संदीप शर्मा ने बैठक ली और अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सही करने के निर्देश दिए। लगातार सरकार की अपेक्षा के अनुरूप और सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की मंशा के साथ में और ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी बिजली KEDL को उपलब्ध करा रही है, किंतु KEDL द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते हुए उपभोक्ताओं को समय पर और उचित मात्रा से पूरे पावर के साथ बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही थी। उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनता का संवाद हो रहा था, उसको लेकर 3 दिन का अल्टीमेटम KEDL के अधिकारियों को दिया था और आज KEDL के अधिकारियों के साथ में JVNL के अधिकारियों के साथ में माननीय संदीप जी शर्मा विधायक कोटा दक्षिण के नेतृत्व में बैठक हुई है। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो जो शिकायतें हमने उनको दी थी उनका उन्हें उचित स्तर पर निस्तारण कर दिया है और जो बची हुई शिकायतें उनका आज शाम तक निस्तारण करने की उन्हें हामी भरी है। यदि उसके बाद भी लगातार कार्यकर्ताओं की शिकायतें आई तो हमारी सरकार होने के बाद भी हम KEDL को उनके दफ्तरों में नहीं बैठने देंगे, क्योंकि जनता की समस्या की सुनवाई करना कार्यकर्ताओं का और पार्टी का दायित्व है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द शहर की बिजली आपूर्ति सही की जाएगी। उसके लिए गर्मी कम होने के बाद जहां ट्रांसफार्म की दिक्कत आ रही है उन्हें जल्द बदला जाएगा, ताकि जो लोड बिजली पर पड़ रहा है वे जल्द से जल्द दुरुस्त हो सके। ये कोटा में जो अभी गर्मी का टाइम में जो फॉल्ट आ रहा है, हम जानते हैं पूरा देश में ही चल रहा है, लेकिन हम लोग कोटा का बात करें तो कोटा में लगभग जो पिछली बार का लोड था इसे 30-35% लोड बढ़ गया, इसलिए विद्युत तंत्र के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है और उसके लिए बिजली जा रहा है। हम लोग कुछ पार्षद का अलग से नंबर एक दे दिया, नाइट चालू किया, जो जो रात में प्रॉब्लम आ रहा है उसको नेक्स्ट दिन में हम निस्तारण करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सकारात्मक तो आलोचना, उनका जो जो शिकायत हम ले लिया उसका समाधान करेंगे। देखिए अधिकारी मतलब हमारा 24 आवर्स कॉल सेंटर है, 24 आवर्स कमांड सेशन है, हम उसको नंबर पेपर्स के थ्रू से पब्लिश किया, उधर आदमी 3 शिफ्ट में 24 आवर्स। अरे मान लीजिए एक आदमी 11 बजे तक काम किया, दिन भर काम किया, अभी सो गया, आपने फ़ोन किया, आपने बोले फ़ोन नहीं उठा, ये तो होता है, आपके लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है। कोटा शहर में लगातार बिजली का संकट गहरा रहा है, जिसको देखते हुए लगातार बिजली विभाग के लिए विपक्ष हो या सरकार के नुमाइंदे लगातार बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। आज देखने को मिला जो कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा है, उन्होंने अपने कार्यालय पर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उनको निर्देश दिए कि जितनी जल्दी हो सके शहर की बिजली दुरुस्त की जाए, सही तरीके से की जाए। लोगों को इस भीषण गर्मी में काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। अधिकारियों के साथ कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी, भाजपा नेता पंकज मेहता, गोविंद शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जैन, इन सब ने भी अपने अपने इलाकों के लिए अधिकारियों को अवगत कराया और उनको समस्या आम जन की बताई। हालांकि आपको हम बता दें कि वहां पर जब महापौर बैठे हुए थे, महापौर का कहना था कि अधिकारी जो बिजली विभाग के हैं वो लगातार लोगों के फोन नहीं उठा रहे, जिस कंट्रोल नंबर पर फोन किए जाते हैं उन नंबर पर भी कोई कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ टकराव देखने को मिला, जिसके बाद संदीप शर्मा विधायक ने अधिकारियों से सब समस्या बताने के बाद निर्देश दिए कि जो भी समस्या बिजली की है वो इस महीने में दुरुस्त हो जाए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जहां पर ट्रांसफार्मर खराब है, जहां पर ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोड है, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।